हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन पार्ट में हम सर्कल से स्टार्ट करते हैं कि सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है। सर्कल का डेफिनेशन होता है इट इज़ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर एट अ equal distance, which are at a equal distance, किसे equal distance पे? From a fixed point, ठीक है, and उस fixed point को हम center बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस fixed point को? हम center, CENTRE, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? सर्कल का डेफिनेशन। और सेंटर से बाउंड्री को, ये हमने सेंटर को ओ डिनोट किया, बाउंड्री ए लिखा। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, इसके बाद सबसे पहले जब हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो बाउंड्री को बोलते हैं, जो हम सेट ऑफ पॉइंट्स बोल रहे थे, दिस इज द सर्कमफ्रेंस, CIRCUMFERENCE, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है फाइंड आउट करने का? 2πr। एंड पाई की वैल्यू आपको पता है क्या है? दैट इज 22/7, और वी कैन से दैट इट इज 3.14। एंड रेडियस सेंटर से लेके बाउंड्री तक, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल तक, जो सर्कमफ्रेंस है उसका, उस तक डिस्टेंस, ये हमारा रेडियस। नेक्स्ट, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बाद अगर हम केवल सर्कमफ्रेंस का कुछ पार्ट लेते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम आर्क। एंड आर्क को निकालने का फॉर्मूला कि इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ आर्क। ये हमने माना कि ये सेंटर के साथ अगर हम ज्वाइन कर दें, तो ज्वाइन किया तो जिसे ज्वाइन किया 2000 रेडियस, एक एंगल फॉर्म कर रहा है एंड दैट एंगल इज थीटा। देयरफोर वी कैन राइट द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। 2πr तो कंप्लीट था, 360 सेंटर पे कंप्लीट एंगल होता है, सेंटर पे कितने का एंगल बनता है सर्कल पे? 360 का। और थीटा हमें जितना रिक्वायर्ड है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। इसके बाद अगर आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सर्कल की बात करते हैं तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? ये जितनी भी इसके अंदर स्पेस है, ठीक है, सर्कल के अंदर जितना भी स्पेस है, दैट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। ये क्या है? एरिया ऑफ सर्कल। ओके, इस एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr² एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr². ये तो हमने कर लिया पूरे सर्कल का एरिया। अगर हमें इसमें से कुछ पार्ट का एरिया निकालना होता तो हम कैसे निकालने वाले हैं? और कुछ पार्ट मीन्स, अगर हमने अगेन ये सर्कल लिया तो इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, थ्री पार्ट्स में, फोर पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो सर्कल को एक तो हम डिवाइड करते हैं इस टाइप से, मीन्स दो रेडियस, टू रेडियस, एंड ये हमारे पास क्या था? आर्क। ये हमने अभी सर्कमफ्रेंस में किया था जब लिखा था ना लेंथ ऑफ आर्क, तो आर्क। तो अगर इनके बीच में जो ये है एरिया है, देखिए ये पूरे एरिया का कम पार्ट है, तो ये हो गया माइनर सेक्टर, इसको बोलते हैं हम पिज़्ज़ा का पीस है ना, सेक्टर, इट इज़ द माइनर सेक्टर। एंड बड़े वाले पार्ट को बोलते हैं हम मेजर सेक्टर। सेम करने वाले हैं, एंगल लिखा हमने इसमें कितना डिग्री? थीटा डिग्री। कलर चेंज कर लेते हैं, मे बी आपको दिखाई दे जाएगा, यस। तो ये है हमारे पास एंगल थीटा डिग्री, तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ
सेक्टर का फॉर्मूला। अब ये मेजर का है या माइनर का है, देखिए आपने माइनर का एंगल थीटा लिया है तो ये माइनर का है, मेजर का एंगल लेते तो मेजर का होता। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने माइनर का निकाला, थीटा हमने माइनर का, तो मेजर का क्या हो जाएगा, देखिए सेंटर पे कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, तो आप माइनर का एंगल बता सकते हो कितना होगा, तो माइनर का तो 60 डिग्री है, तो मेजर का कितना हो जाएगा, 360 माइनस 60। ठीक है, अगर हमने माइनर का 60 माना, कंप्लीट 360 है, तो मेजर का एंगल कितना हो गया, 360 माइनस 60, दैट इज 300 डिग्री। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो 300 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। या आपके पास एक मेथड और है, वो क्या है, कंप्लीट को निकालने का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर, स्मॉल का हमने निकाल लिया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप कंप्लीट में से, अगर आप कंप्लीट में से माइनर का माइनस कर दोगे तो आपके पास बचेगा क्या, मेजर का एरिया ही तो बचेगा, तो हम ये भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला लर्न हो गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, आइदर माइनर और मेजर। क्या सर्कल को हम और पार्ट्स में और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, यस, एंड वो कौन सा पार्ट होगा हमारे पास, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एंड अभी हमने एक चीज़ देखते हैं वो क्या होता है, और हमने ऑलरेडी देखा था, उसको बोलते थे हम कॉर्ड, कि अगर दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ए बी में, दिस इज़ द कॉर्ड, तो ये जो स्मॉलर एरिया है, जो हमारे पास स्मॉलर एरिया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। ठीक है, ए बी हम ये कहते हैं, अगर बिल्कुल क्रॉस हो रही होती तो, या फिर पार्ट भी है तो इट इज़ अ सेगमेंट, ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो किसका, उसको क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, एंड जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इसको समझने के लिए हमें अगेन सेक्टर पे जाना पड़ेगा, एंड सेक्टर पे वो भी अच्छे वाले डायग्राम पे। ठीक है, ये वाला डायग्राम हमने ले लिया, तो इस डायग्राम में अगर मैं ये कहूँ कि आपने सेंटर से इसको ऐसे ज्वाइन किया था, ये आपके पास आ गया था सेक्टर, ठीक है, ये आर्क के साथ, ये क्या था हमारे पास, सेक्टर, ये हमारे पास सेक्टर है, एंड इसको ज्वाइन कर लिया तो ये हो गया हमारे पास कॉर्ड, कॉर्ड। तो ये वाला पोर्शन निकालना है आपको, तो हम ये वाला पोर्शन कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला पोर्शन निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड है, एंड वो क्या है, अगर मैं पूरे में से, पूरा क्या था, ये सेक्टर, अगर मैं पूरे में से क्या माइनस कर दूं, ट्राइंगल माइनस कर दूं, अगर मैं सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूं, देन वी कैन से दैट मेरे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, सेगमेंट, तो हम सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है, ओके, कॉपी एंड पेस्ट, पेस्ट कैसे होगा, क्या ये पेस्ट यहाँ पे हो गया, गलत जगह पे हो गया ना, कोई बात नहीं, दोबारा फॉर्म कर लेते हैं, ओके, ये हमने सर्कल ड्रॉ किया, एंड सर्कल को हम कलर किया, कौन सा बाद में कर लेंगे, पहले सेक्टर बना लेते हैं, तो पहले सेक्टर बना लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, ये हमने सेक्टर बना लिया, एंड इसको अब कलर कर लेते हैं, ओके, येलो कलर कर लिया, जो भी ग्रीनिश है ना, लाइट, ओके, कलर कर लिया, दिस इज सेक्टर, एंड सेक्टर में से अब हम माइनस करेंगे क्या, ट्राइंगल का एरिया, किसका एरिया, ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, एंड ट्राइंगल कौन सा, उसको भी शेड कर लेते हैं, ये तो सेम कलर हो गया, ये ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, जो नीचे रिमेनिंग है सेगमेंट, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ
segment is equal to area of sector minus area of triangle. ठीक है, ये फॉर्मूला है. और एरिया ऑफ सेक्टर का तो फॉर्मूला आपको पता है, वो क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. बट एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हमें जो फॉर्मूला आता है वो क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू थीटा, हाफ सॉरी इंटू बेस, थीटा उधर लिखा लिखना था तो इस वजह से इधर बोल दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एंड अगर मैं इनको नेमिंग कर दूं, ठीक है, अगर मैं इनकी नेमिंग कर दूं, तो ये हमारा ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, एंड यहाँ पे एम कर देते हैं. तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस हाफ इंटू बेस इज ए बी एंड हाइट इज ओ एम, हमें ये निकालना है. ठीक है, अगेन एक बार और कर लेते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस हाफ इंटू ए बी इज ट्वाइस ऑफ ए एम. इन दोनों ट्राइंगल्स को, कौन से दोनों ट्राइंगल्स को, ये वाला ट्राइंगल एंड इसके जो दूसरा बचा है, इनको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो. तो ट्वाइस ऑफ ए एम इंटू ओ एम कैंसिल आउट, टू से टू, तो हम ये बोल सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, टू से टू कैंसिल था, माइनस ए एम इंटू ओ एम. अब ये निकालना है हमें ए एम इंटू ओ एम, एंड वो कैसे निकालेंगे हम, ये देखिए. ओके, तो ये हमारा एंगल है थीटा, ठीक है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, थीटा पॉइंट टू, कितना हो गया, थीटा पॉइंट टू. तो अब एक बार ये डायग्राम देख लीजिए, हम ये डायग्राम दोबारा बनाने वाले हैं, है ना, वैल्यू फाइंड आउट करके फिर इधर पुट करने वाले हैं. तो ये हम डायग्राम बना देते हैं इस बार इधर, एंड इसको बाद में थोड़ा सा लार्ज कर लेंगे, ये यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं ना. ये है ओके, बना लेते हैं ना. तो ये क्या था हमारे पास, इधर ओ है, इधर ए है, यहाँ पे हमारे पास एम था, ये आपका रेडियस ऑफ सर्कल है ना. एक बार हम डायग्राम में देख लेंगे दोबारा से, तो ओ ए इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इसको आर लिखा, एंड यहाँ पे हमने 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. तो अब आपको ए एम और ओ एम निकालना है, तो इसमें हम अपना चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री वो यूज़ करेंगे. ट्रिग्नोमेट्री में कैसे निकाल लेते हैं, अगर ये थीटा पॉइंट टू है, ये एंगल है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज कैपिटल एच लिख देते हैं, ये हमारा बेस. तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एंड सोना चांदी तोले, है ना, ये हमारे पास क्या है, हर हर बोले एच एच. तो साइन का फॉर्मूला क्या हुआ, पी अपॉन एच. तो ये परपेंडिकुलर है, तो हम वही निकालने वाले हैं. तो साइन थीटा अपॉन टू इज इक्वल्स टू, कलर चेंज कर लेते, थोड़ा जी कलर लग रहा है ना, पी अपॉन एच, पी मीन्स ए एम अपॉन एच इज ओ ए. साइन थीटा अपॉन टू, तो हमें ए एम फाइंड करना है, तो ए एम कितना हुआ, ओ ए क्रॉस में ओ ए है आर, इंटू में साइन थीटा अपॉन टू हो गया, तो ए एम का वैल्यू निकल गया हमारे पास. सिमिलरली आपको दूसरा किसका वैल्यू निकालना है इसमें, ओ एम का, एंड ओ एम का वैल्यू कैसे निकलेगा, अगेन ऐसे ही, कॉस थीटा अपॉन टू इज कॉस टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज ओ एम. थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये हमें डायरेक्ट फॉर्मूला देगा. ठीक है, ओ एम अपॉन में ओ ए, एंड ओ एम निकालना है हमें, तो ओ एम इज इक्वल टू ओ ए इज आर इंटू में कॉस थीटा बाई टू. तो आर साइन थीटा बाई टू एंड आर कॉस थीटा बाई टू, ये हमारे पास वैल्यूज़ हो गई जो हमें पुट करनी है. ठीक है, तो ये हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, तो कितना हो गया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस ए एम, कितना है हमारे पास, आर साइन थीटा अपॉन टू, एंड ये कितना है, आर कॉस थीटा अपॉन टू. आर स्क्वेयर कॉमन, इट बिकम्स थीटा इंटू पाई अपॉन 360. ठीक है, एंड इधर से भी आर इंटू आर, आर स्क्वायर था, कॉमन हो गया वो, ये हो गया साइन थीटा अपॉन टू इंटू में कॉस थीटा अपॉन टू. ये बस थीटा के अपॉन में टू है, पूरे साइन के अपॉन में नहीं है. ठीक है, तो इट इज़ साइन थीटा अपॉन टू. अगर थीटा आपको 60 है, तो थीटा अपॉन टू 30 होगा. ये नहीं कि साइन 60 का फॉर्मूला निकाल के डिवाइड बाई टू कर दिया,
तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आया है, एरिया ऑफ सेगमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला। तो एक बार और लिख लेते हैं हम, एरिया ऑफ सेगमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेगमेंट। देखिए पूरा यूज़ करने से अच्छा है आप उधर फाइंड आउट करोगे, डायरेक्ट फार्मूला लिखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड ये फार्मूला आपको प्रूफ करना भी आना चाहिए, क्यों, कभी कभी अगर आपसे प्रूफ पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे निकाला है। दिस इज़ एरिया ऑफ सेगमेंट। हमारे सर्कल के अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इतना ही है, क्यों, क्योंकि इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स जो हमारे में एक्सरसाइज में एक्स्ट्रा दे रखा है, दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स। मीन्स आपको कोई भी ट्रैक दे रखा होगा उसमें आपको सर्कल का एंड कोई और फार्मूला लगाना होगा, ठीक है। और भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम एक्सरसाइज में करेंगे। तो इंट्रोडक्शन इतना ही है, थैंक यू।